पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 8 दिन कैराना लोकसभा सीट पे मैंने 26 सभाएं की और चुनाव प्रचार किया। मेरे माननीय मेरे सांसद प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर जी के साथ माननीय महेंद्र रजक प्रदेश उपाध्यक्ष, माननीय लालजी प्रसाद निर्मल राज्य मंत्री और भी कई मंत्री थे, उनके साथ मैं लगा रहा। 26 दलित बस्तियों में हमने सभाएं की। अब दलित वोट, अगर खासकर जाटव समाज का वोट करीब 35-36 हज़ार वहाँ मिला है, तो फिर भी मुझे मैं आहत था कि भाई सीट शायद हम दलितों को नहीं जोड़ पाए, इसलिए मैंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। और आगे जो भी पार्टी मुझे जिम्मेदारी सौंपेगी, उसको मैं सच्चे सिपाही की तरह निभाऊंगा। और पद मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए पद से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, योगी जी की उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य हो रहे हैं उससे प्रभावित होकर, माननीय अमित शाह जी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे बहुत प्रभावित हूँ, माननीय मोदी जी नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने दलितों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, उन्हीं से मैं प्रभावित हूँ। और मैं अपनी ताजीवन आजीवन भारतीय जनता पार्टी का ही सदस्य रहूंगा। पद का कोई लाभ मुझे लालच नहीं है, मिले या ना मिले। नहीं, जिस तरीके से देखा जाए प्रदेश में आप प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं और मुरादाबाद का नेतृत्व भी कर रहे थे, उसके साथ साथ पूरे प्रदेश का भी नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक इस पद से आपको इस्तीफा देना, आपने इस्तीफा दिया है, तो कहीं ना कहीं देखिए हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष अश्विनी त्यागी जी चाहते थे भाई आप इस्तीफा दे, तो हमने इस्तीफा दे दिया उनके उनके सम्मान में, उनका हमने सम्मान रखा, हमने इस्तीफा दे दिया। वो क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा ये, हाँ, वो उन्होंने वहाँ लखनऊ में ये कहा भाई इनकी जगह किसी दूसरे को जगह दी जाए जो पुराने हैं, तो हमने कहा ठीक है, हम नए हैं, कोई बात नहीं है, हमने हमारी पुत्र बधु पार्षद है बीजेपी का, 28 साल बाद पार्षद दलित समाज का यहाँ से बना है, जाटव समाज का 28 साल पहले जाटव समाज का पार्षद बना था, मेरी प्रिया सिंह एडवोकेट पार्षद है, हमें पद की वो नहीं, हमें तो काम करना है, गरीबों का भला करना है, तो बगैर पद के भी कर सकते हैं। क्या ये भी बात मानी जाए कि इस पद को लेकर गहमा गहमी भी थी और बहुत सारे आरोप? हाँ, गहमा गहमी थी। माननीय किशन लाल जी हैं, माननीय महेंद्र गुप्ता जी ज्यादा हमारे विरोधी थे, महेंद्र गुप्ता जी नहीं चाहते थे कि भाई ये अमर सिंह सागर चमार है इसको जोड़ा जाए, क्योंकि वो चमारों से ज्यादा नफरत करते हैं महेंद्र गुप्ता जी, इसलिए उन्होंने हटाने की पूरे प्रयास किया और हटाया, मुझे हटवा दिया। इसे हटवाने से पहले मैंने खुद ही इस्तीफा दे दिया कि जहाँ के हम रहने वाले हैं वहीं के लोग अगर सम्मान ना करें पदाधिकारी, तो फिर हमें पद पर रहने का क्या लाभ है? फिर आगे कैसे क्या आगे स्थिति है हमारी, ये आगे जो हमने रणनीति बनाई है अपनी, भाजपा में रहेंगे, सच्चे सिपाही बनकर रहेंगे और आजीवन भाजपा ही रहेंगे, किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, और हम अपने दलित समाज की राजनीति करते हैं, दलित समाज का भला भारतीय जनता पार्टी में है, दलित समाज से हम दलित समाज को जोड़ते रहेंगे, जितना हमें हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा दलित समाज को जोड़ेंगे, उनके जो दुख दर्द है उसमें काम आएंगे भारतीय जनता पार्टी के, अगर ये महानगर के जिले के पदाधिकारी अगर सहयोग नहीं करते तो हम करेंगे, हम खुद सक्षम है इस चीज में, हम सारे इकट्ठे दलितों के अपने किसी अधिकारी में जाएंगे काम करवाएंगे उनके, नहीं तो माननीय हमारे महेंद्रनाथ पांडे जी हैं, हमारे कौशल किशोर सांसद जी हैं, उनसे कहेंगे अगर हमसे काम नहीं होगा तो, मगर कोई भी दलितों पे अत्याचार नहीं होने देंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।